देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो पत्नी है आलिया सिद्दीकी, जितना शोर शराबा हुआ था इनके बिग बॉस के घर के अंदर जाने के वक्त, तो उतने ही क्वाइटली वो वहां से निकल आई है। क्या है ना, जो सेंसेशन सबको लगा था वो क्रिएट करेंगी अंदर जाकर, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ लोगों को, या दिखा सकती थी लोगों को, जो बता क्या मतलब दिखा सकती थी, कि मैं जो लोग सोचते थे मेरे बारे में कि ये ऐसी है वैसी, शायद वो कुछ नज़रिया बदलता। आप इच्छू अपने ऊपर ले लूंगी, पर रियल लाइफ की ये चीज मैं नहीं झेल पाऊंगी। कुछ लोग को मेरा नेचर समझ में आया, कुछ लोग को मेरा नेचर नहीं समझ में आया, और जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको समझा नहीं सकती थी। भाई एक बात बोलो ना, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो भी है एक बात पे रहो। बिग बॉस के घर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग होकर उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी अपनी पहचान बनाने इस घर में आई थी। विवादों और मसलों के चलते आलिया को इस घर में लाया गया था, लेकिन शायद वो इस पर खरी नहीं उतर पाई, इसलिए अब उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज आलिया ने हमसे खुलकर बातचीत की और बताए कई राज। थोड़े टाइम के बाद जब नेगेटिविटी वाला माहौल क्रिएट होने लगा था, सो बुरा भी लगता था, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी ना कि घर से दरवाजा खोलो बाहर चले जाओ, आप बाहर घूम के आ जाओ, आप वॉक करके आ जाओ, गाड़ी उठा के कहीं चले जाओ, वहाँ थे नहीं आप, तो वो तो टकराना पड़ेगा एक दूसरे का सर आपको एक साथ में, सो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। देखिए, पहचान का मतलब ये कि मैं अपने बारे में बता सकती हूँ लोगों को, या दिखा सकती थी लोगों को, जो बता क्या मतलब दिखा सकती थी, कि मैं जो लोग सोचते थे मेरे बारे में कि ये ऐसी है वैसी, शायद वो कुछ नज़रिया बदलता, और बदला है। कुछ लोगों ने आने के बाद बहुत पॉजिटिव लिया है, बट पहचान तो तब बनेगी मेरी जब मैं खुद का कुछ काम करूंगी, जब मैं खुद से जानी जाऊंगी, तो आई थिंक वो पहचान तब बना पाऊंगी मैं। वैसे हमसे इस बातचीत में उन्होंने कई बातें तो बताई, लेकिन उन्होंने फलक नास को दोगला जरूर कह दिया। वहाँ पर बड़े डबल चीजें होती थी, जैसे फलक मुझे बोलती थी जब कैप्टनशिप के लिए थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही सच्चे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत अच्छा हेल्पफुल है, इनका नेचर व्हाटएवर जो भी बोला। अगेन मुझे फिर आपने जेल में डाल दिया कि मैं इनको समझ नहीं पाई। फिर जेल में डालने के बाद जेल के बाहर आ रहे हो, अरे यार आप बहुत अच्छे हो। तो भाई एक बात बोलो ना, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो भी है एक बात पे रहो। सो वो गेम नहीं समझ में आया मुझे, लोगों की पर्सनैलिटी जो थी ना वो मैं पचा नहीं पाई कि यार इतने। वैसे अपनी छवि पर पहले आलिया ने बहुत सी चीजें कही थी, लेकिन अब उनका मानना है कि बिग बॉस में उनकी छवि क्या बदलती, वो बिग बॉस से ज्यादा अच्छा खेल पाती अगर वो खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनती। मैं छवि अभी नहीं बदले, वहाँ कोई दिमाग काम नहीं करता, उस जगह अंदर जाने के बाद आपकी दिमाग की बुद्धि सब खत्म हो जाती है। सो मैंने एक बात बोला था अभिषेक को कि मैं बिग बॉस में जाने से अच्छा मैं उसमें चली जाऊंगी, क्या बोलते अपना खतरों की खिलाड़ी, मैंने लिया वो साफ इच्छू अपने ऊपर ले लूंगी, पर रियल लाइफ की ये चीज मैं नहीं झेल पाऊंगी। वैसे पूजा भट्ट को लेकर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। कभी भी उनका मुझे समझ में नहीं आई कोई चीज, वो क्या बोल रही है, तो हो सकता वो रिहाब से आने के बाद, या हो सकता कि कुछ चीजें उनकी जिंदगी में ऐसी घटी है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। लोग गैंग अप करेंगे लोगों के अगेंस्ट, मैं क्या पैरों पे आ जाऊं सबके, सब लोग चढ़ गए इनके ऊपर यार। आप सुनिए तो सही, आप पहले सुनना सीखे। डोंट फील सुपीरियर टू हर, वो जनता देख लेंगे। यू डोंट फूल मी, आई रियली रिस्पेक्ट यू। आपकी रिस्पेक्ट से मेरी जिंदगी नहीं बनती है। मन से टारगेट कर रही है यार। इसी के साथ आज हमने की बिग बॉस की एक और इविक्टेड कंटेस्टेंट पलक पुरुषवानी से बात, जिन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेवा के साथ हुए मतभेद के बारे में बताया। बट वो मेरे सामने इतना महान बन रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें 10,000 रुपये मैंने दिए, वो पूजा मैम के सामने मैंने तुम्हारा स्टैंड लिया, मैंने बोला वो बाहर वैसी ही है, तो वो ना अपनी इमेज इतनी अच्छी दिखा रहे थे मेरे सामने कि मैंने, पूछ लो घर वालों से, मैंने कुछ बात नहीं की है हमारे रिश्ते के बारे में, मैंने कुछ बात नहीं की है। एंड देन यू नो ट्राइंग टू शो दैट आई वॉज द वन हु टुक अ स्टैंड फॉर यू, आई वॉज द वन जिसने तुम्हारी हेल्प की, और पीठ पीछे तुम इतनी बकवास, तो थोड़ा टाइम मुझे शायद और मिलता तो उनके रंग सामने आते। जिया शंकर और अविनाश को चुगलखोर आंटी बुलाते हुए
पलक ने कुछ ऐसी बातें बताई जो सुनने लायक हैं। तो आई पर्सनली फेल्ट कि इनिशियली तो मुझे पता था कि ये दोनों चुगली चाची बन के बैठे हैं, दे वर टॉकिंग स्टफ एंड ऑल दैट, एंड मेरा जब उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुआ एंड देन शी केम अप टू मी लेटर ऑन कि वहाँ मैं अपना ओपिनियन नहीं रख पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं वोकली उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ क्योंकि मेरी बातों को दबाया जाता है, मेरे को लगा शायद उनको रियलाइजेशन इस चीज़ का हुआ है कि वो इंसान एक्चुअली में है क्या। हमने उनसे पूजा भट्ट के साथ हुई नोकझोंक पर भी बात की, वही उन्होंने पूजा भट्ट को सासू माँ कहते हुए कुछ ताने भी कसे। आप बड़ी कन्वीनियंटली लोगों को लाउड बोलते हो, वही बेबी का एट द वेरी फर्स्ट प्लेस शी इज गेटिंग सो पर्सनल, शी इज उसने घर में पूरा लाउडनेस फैला के रखा है अपने अपशब्द यूज करके, वो आपको लाउड नहीं लग रही हैं, लेकिन मैं जब अपना ओपिनियन रख रही हूँ तुम सुनती नहीं हो, तुम लाउड हो। वो दो ही रट लगा के रखी थी जैसे वो मुझे सालों से जानती है और मेरी मम्मी है वो घर पे। सांस ज्यादा लग रही थी मुझे क्योंकि वो अविनाश का जो साइड ले रही थी ना, इसीलिए। हाँ, वैसे खेल तो अभी शुरू हुआ है, किसकी और कैसे पोल खुलती है ये तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बरसात का मौसम, और बरसात के मौसम में ना ऑटोमेटिकली हर कोई थोड़ा सा रोमानी तो हो ही जाता है, तो वेल आ गए हैं छोटे पर्दे के रोमांस किंग। जी हाँ, इस बरसात के मौसम में एकदम रोमांस वाली वाइब्स देने। छोटे पर्दे पर अर्जुन बिजलानी रोमांस लेकर लौट आए हैं। अब बड़े पर्दे के पास रोमांस किंग शाहरुख खान है, तो हम भी पीछे क्यों रहे, हमारे पास भी है ना रोमांस किंग, जो कि यकीन मानिए बहुत फेमस है छोटे पर्दे पर रोमांस करने के लिए। बरसात आते ही रोमांस अपने आप निकल आता है। बरसात की बूंदे जब आप पर गिरती है ना, तो रोमांस खुद ब खुद आ जाता है। शिव शक्ति जिनके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये तो एक दूसरे के ही लिए बने हैं, तो यहाँ पर भी आज जब हम मिले शिव शक्ति से, तो भला क्यों ना रोमांस की बातें की जाए, और उस पर जब मौसम बेईमान हो। बारिश जो है वो रोमांस के लिए बहुत ही कमाल का मौसम होता है, एंड वैसे तो ठंड भी होती है, लेकिन बारिश का मज़ा ही कुछ और होता है, और बारिश के मज़े अलग अलग तरीके से लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप गरम गरम मैगी खा लो, चाय भी पी सकते हो, पकौड़े खा सकते हो, और भुट्टा भी खा सकते हो। तो आज कर सकते सास बहु साजिश के साथ जो है ये स्पेशल मानसून स्पेशल डे मना रहे हैं। भुट्टा भी खाना है, खूब सारी बातें भी होंगी, और हाँ ये भी जानेंगे कि रोमांटिक गाना कौन सा याद आ रहा है। अभी बातें चल ही रही थी कि वो देखिए उधर से आ गया दूसरा रोमांस किंग, और वो कोई और नहीं है बल्कि राधा का मोहन है, यानी कि शब्बीर आलूवालिया। फिलहाल जाते जाते इस सेट की एक झलक देख लीजिए, जो कि काफी बड़े पैमाने पर डिजाइन किया गया है। ये है हमारा प्यारा सा स्पॉट, ये सुंदर सा मंदिर, जो कि पहली बार जब मैंने देखा था तो आई थिंक मैं 10 मिनट यहाँ पे खड़ी हो गई थी ना, आप इसे वाओ। इस मंदिर में सच में कहने को तो ये सेट है, लेकिन जब भी हम यहाँ खड़े होते हैं सबसे पहले कोई भी आता भी है तो यहाँ। आशा धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं
का ऋषि नहीं बचा पाई लक्ष्मी अपने ऋषि को। वैसे उनको इंट्यूशन हो गया था, लेट मी टेल यू। जी हाँ, भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी को पता था कि ऋषि और उसका साथ बस यही तक था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी के रहते हुए ऋषि बच ना पाए। जो डर लक्ष्मी को सता रहा था, देखिए वही हुआ। ऋषि का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट वाले जगह पर लक्ष्मी भी पहुंची। अब भाई जब उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है तो उसे तो पहुंचना ही था, सो देखिए पहुंच गई। ऋषि को इस हालत में देखकर लक्ष्मी तो मानो एकदम पागल सी हो गई है। बस वो ऋषि ऋषि चिल्ला रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। ऋषि जिंदा भी है या इस दुनिया को छोड़कर चला गया, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा। अब भाई जब दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है और ऋषि के भाग्य में लक्ष्मी है तो ऋषि पर आंच भी नहीं आ सकती। ये एक्सीडेंट तो विक्रांत ने करवाया था ताकि ऋषि उसकी सच्चाई सबके सामने न लेकर आए। अब मुंबई में कितनी बरसात हो रही है, इस बरसात में शूट करना आसान नहीं था, लेकिन रुक रुक के शूटिंग खत्म की गई। अब ऋषि तो चाहते हैं जल्दी जल्दी से पैकअप हो और घर जाएं, क्योंकि अगर बारिश फिर से शुरू हो गई ना तो ट्रैफिक लग जाएगा और घर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। प्लीज घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। मेरी गाड़ी टाइम पे घर पहुँचना, ट्रैफिक में अटक जाता। आप 9 बजे और 7 बजे या रात के 9 बजे के बीच में अगर निकलना चाहे निकले, पैकअप टाइम पे मत ना निकले। ये फिलहाल मॉनसून में ये वाली शूटिंग सब ने इंजॉय की। सीन बहुत ही डार्क था लेकिन पर्दे पर इस सीन को अच्छी टीआरपी मिलेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य में रणबीर कह के ही गए थे प्राची को कि भैया मेरा इस घर में स्वागत करोगी तो टुमारो भी धूमधाम से। और लीजिए प्राची स्वागत की तैयारियों में भी जुट गई है। तो ओनली थिंग इज कि प्राची को पता नहीं कि जिसके स्वागत की वो तैयारी कर रही है वो कोई और नहीं रणबीर ही होगा, यानी कि लगेगा उनको 440 वोल्ट का सदमा। Thank you.
भाग्य में आ गया है 3 महीने का लीप और इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। प्राची टंडन परिवार की एक आदर्शवादी बहू बन गई है और अक्षय के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में वो खुश है। कोई एक बहुत ही अलग ट्विस्ट भी आने वाला है शो में, तो उसके लिए भी एक्साइटेड है हम लोग सब। और अभी बहुत हैप्पी माहौल है, लीप ले लिया है शो ने 3 महीने का एंड एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। प्राची ने पूरी फैमिली से जेल कर लिया है एंड दे आर वेरी नाइस, मतलब पूरा सबका जितनी भी बॉन्ड है वो काफी अच्छा हो गया है। आज टंडन हाउस में कोई स्पेशल इंसान आने वाला है जिसके लिए ये तैयारियां हो रही है और ये कोई स्पेशल समवन अक्षय की बहन मिहिका का मिस्टर चार्मिंग है। मिहिका के इस मिस्टर चार्मिंग के लिए उसकी भाभी प्राची जमकर तैयारियां कर रही है। प्राची एक अच्छी बहू और भाभी की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही है क्योंकि वो इस बात से अनजान है कि जिसके आगमन की खुशी में वो नाच रही है वो मिस्टर चार्मिंग कोई और नहीं रणबीर ही है। पर इस बार वो कहती है कि उसे बहुत सच्चा प्यार हो गया है, दिल से दिल जुड़ गए हैं और पता नहीं क्या क्या, तो फिर मैं कहीं ना कहीं मान जाता हूँ, मैं कहता हूँ चलो एक बार मिल लेते हैं कौन है लड़का। तो बस उसकी तैयारी हो रही है, सब लोगों ने घर पर डेकोरेट करा हुआ है, सब डांस कर रहे हैं क्योंकि ढोल बज रहा है। अब भले ही घर में किसी को पता नहीं है कि ये मिस्टर चार्मिंग है कौन, पर आप और हम तो अच्छे से जानते हैं कि कहानी में तभी ट्विस्ट आएगा जब रणवीर की एंट्री होगी। भले ही मिहिका अभी परेशान है क्योंकि उसका मिस्टर चार्मिंग अभी पहुंचा नहीं है, पर मिहिका आप चिंता ना करें क्योंकि वो जरूर आएगा, उसे अपनी प्राची से बदला जो लेना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रब से है दुआ में एक सौतन दूसरी सौतन से कह रही है कि मैं हूं क्वीन। जी हाँ, आखिरकार हु इज गोइंग टू रूल द किंगडम, ये भी तो डिसाइड करना बनता है। सामना अब आमने सामने का है, वो भी कि दो दो सौतनों के बीच, एक है दुआ तो दूसरी है गजल। ही गजल की हालत तो भाई खुद अपने पैरों पर चलने की नहीं है, ही क्योंकि उसे हैदर ने कुछ इस तरीके से ढकेला था कि बेचारी की कमर ही टूट गई। हाँ क्या करे, अभी मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि सच में लग गई है। तो शहजादी एक्चुअली अभी शहजादी रही नहीं, बट है इसके पास सारे प्लान्स है इनका, सबकी बोलती बंद करवाने के लिए और इनकी हंसी बंद करवाने के लिए। अब यहाँ पर एक घर वाले दुआ की तरफ है, एक किचन में जाकर खाना बनाना है और देखिए मोहतरमा गजल को जो खुद को क्वीन कह रही है, अब इस क्वीन के पैर और कमर दोनों ही काम नहीं कर रही हैं, तो किचन में खाना क्या बनाएगी। घर वालों को लगा था कि खाना बनाकर एक अच्छी बहू खुद को साबित करेगी गजल, लेकिन गजल ना थोड़ी सी हटकर है, उसने खाना बनाने के लिए एक नौकरानी को बुलाया है और उसी नौकरानी के दम पर वो हवा में उड़ रही है। वो तो सरप्राइज है, वही तो देखने वाला है कि सरप्राइज क्या है, ऐसा क्या है जिससे उसको भी नहीं खाना बनाना पड़ेगा, उसकी अम्मी को भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एंड शातिर है गजल, कुछ तो होगा प्लान, इसके लिए तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। अब नौकरानी आए तो सही, ही खाना बनाए तो सही, लोग खाए तो सही, उसके बाद पता चलेगा कि नौकरानी रहने लायक है भी या नहीं। अलादीन के चिराग से ही निकल के आया है जो भी वो सोल्यूशन है ना, तो वो होगा और उससे सब हल हो जाएगा एकदम में। फिलहाल गजल नौकरानी का इंतजार कर रही है, अब देखना ये होगा कि क्या बातों से ही पेट भरेगा या फिर नौकरानी नए नए पकवान के साथ कोई नया ट्विस्ट भी लेकर आएगी। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
धैर्य की हल्दी हो रही है इमली के साथ, चीनी की हल्दी हो रही है अथर्व के साथ, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये सब टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि पता तो इन्हें है ना कि बस लोगों को उलझा कर रखो। लेकिन आपको बता दें क्योंकि ये टीवी के शादी के फंक्शंस हैं तो यहाँ पर तो हल्दी में ही आ गया है इतना बड़ा ट्विस्ट कि आई एम थिंकिंग शादी पर ये लोग क्या करेंगे। अगर ये साबित हो गया कि धैर्य ने मेरा एक्सीडेंट कराया तो मैं शादी तोड़ दूं। अथर्व जी, आप भी चिनी दी को गुलाल लगाइए ना, क्या पता हल्दी कम पड़ जाए। चिनी दी, आपके पास तो गुलाल है ही नहीं। कोई बात नहीं, ये भी हम आपको दे देंगे। इस शादी से पहले हल्दी वाले फंक्शन में इतना ड्रामा, तो सोचिए जब शादी होगी तब क्या होगा। चलो, हमारी तो रस्में भी खत्म हो गई और रिश्ता भी पक्का हो गया। इधर धैर्य और इमली की हल्दी होने वाली है तो उधर चीनी और अथर्व की। अब इन दोनों का इंटरेस्ट ना अपनी हल्दी में कम और एक दूसरे की तरफ कुछ ज्यादा ही है। अब ये तो सही है कि जोड़ी तो इमली और अथर्व की है, लेकिन फिर जिन परिस्थितियों में इमली तैयार हुई है धैर्य के साथ शादी करने के लिए, वो भी भला किसी से छुपा नहीं है। फिर ऐसे में चीनी का पर्दा तो फाश होना ही है, क्योंकि इमली का शादी करने का ये फैसला चीनी का पर्दा फाश कर देगा। इमली मैडम, उस दिन आपने सीसीटीवी फुटेज मंगाए थे ना अथर्व भैया के एक्सीडेंट दिन वाले, वो मिल चुके हैं। चीनी को इस बात की खबर भी पड़ गई है, इसीलिए तो वो चौकन्नी हो गई है। और आपको बता दे कि चीनी ने ही अथर्व का एक्सीडेंट करवाया था। जो बाहर आ जाती तो सबको पता चल जाता। लाटो का एक्सीडेंट वाले दिन डी कर पी था। अरे जी, तो कहीं ना कहीं से ये भी पता करा लेते कि एक्सीडेंट मैंने करवाया था। इसकी खबर धैर्य को पड़ गई है तो अब धैर्य के पीछे चीनी हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ जाएगी। चीनी धैर्य को अपने रास्ते से हटा देगी और फिर सच्चाई जब सामने होगी तब आप देखना जरूर कि क्या होता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, सब कुछ छिन गया फालतू से, उसका सुहाग, उसका पति, उसका सुख चैन। वो क्या है ना, आप जानते हैं कि ये सीरियल के बेटे कितने कान के कच्चे होते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं कि अपनी पत्नियों से कुछ नहीं पूछते, लेकिन धे धनादन कुछ ना कुछ उल्टा कर ही देते हैं। अयान का हाथ थामकर फालतू ने जन्मों जन्मांतर की कस्में खाई थी, आज वही हाथ पकड़ के वो रिश्ता तोड़ा जा रहा है। वैसे टीवी की दुनिया में पति थोड़े शक्की मिजाज होते हैं। पत्नी ने किसी से बात की नहीं, मुलाकात की नहीं कि पतियों को लगता है कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। वो भी अलग करना चाहता है, हमारे बीच दरार पैदा करना चाहता है। वो हमारे बीच दरार पैदा करना चाहता है।
या तुम उसे हम दोनों के बीच में लाइयो। फिलहाल उसी राह पर है। अयान फालतू की कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। उसे तो बस अब फालतू बेवफा लग रही है। फालतू कुछ बताना चाहती है मुझे और अयान कह रहा है कि पार्टी के बाद में बात करते हैं, तो इस बीच में बात के बीच में फालतू रूहान का नाम लेती है। मुझे उसका नाम अभी नहीं सुनना। जब अयान ने फालतू की बात सुनने से इनकार कर दिया तो फालतू ने भी गुस्से में आकर अपना मंगलसूत्र निकाल के अयान के हाथ में रख दिया। और जरा इनकी किस्मत तो देखिए, रूहान के मैसेजेस भी बिल्कुल उसी वक्त पे आए जब फालतू और अयान के बीच ये सब हो रहा था। मैसेजेस में आए रूहान के साथ अपनी तस्वीरें देख तो फालतू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आठ साहब को कब से कह रही हूँ कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, तो नहीं बता पाई। अब उसके रिपरकशंस हमें खुद झेलने पड़ेंगे। जब पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे की नींव डगमगा गई हो, उस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। रूहान ने जो खेल रचा था उसमें वो कामयाब हो गया। अब आगे ये देखना होगा कि फालतू अपने चरित्र पे लगे हुए दाग को कैसे मिटाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं ओटीटी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। हाउ ब्यूटीफुल शी लुकिंग, एम आई, इजंट शी लुकिंग नाइस, लवली लवली, लेफ्ट लेफ्ट चकास। मेरी नजर ही नहीं हट रही है, शी सो अट्रैक्टिव। पैप्स ने बना दी जोड़ी अनिल कपूर और शोभिता धुलीपाला की। हाँ, मौका था नाइट मैनेजर के सेकेंड पार्ट के प्रमोशन के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वहाँ जब फोटोग्राफर्स के सामने अनिल कपूर और शोभिता खड़े थे, तब पापाराजी के लोग बोल पड़े कि क्या जोड़ी है। और देखिए, शोभिता शर्मा गई और अनिल कपूर के गाल भी लाल हो गए, वो भी खुशी के मारे। पैप्स के डायलॉग्स वैसे भी सुनने लायक होते हैं, जरा सुनो जोड़ी को और क्या क्या बोल रहे हैं। लवली बोलो, अब इसमें पैप्स का भी कोई कसूर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते करते और आदित्य और शोभिता की तारीफ करते करते अनिल कपूर ने अपने दिल की बात बता ही दी कि शोभिता को देखकर उनका दिल धक धक करने लग जाता है। क्या करें, नजरें हटती ही नहीं। अनिल कपूर भी जानते हैं कि जनता को कैसे लुभाया जाता है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो छा जाते हैं। और ऐसा ही जादू वो नाइट मैनेजर में भी दिखा रहे हैं, जिसका दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है 30 जून यानी कि शुक्रवार के दिन से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कितने सारे हमें फिल्मी सीन्स याद है ना, जब हीरोइन जा रही होती है अपने प्यार को ठुकरा कर या छोड़कर मजबूरी में ही सही, और हीरो दौड़ता है दैट वन लास्ट चांस कि बस मैं अपने प्यार को रोक लूं। जी हाँ, कुछ वैसा ही फील आपको सावी की सवारी में मिलेगा। तो ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर सावी दौड़ेगी अपने प्यार को रोकने के लिए।
सावी को ये पता चल गया है कि नित्यम दालमिया उसे प्यार करता है। वो सावी के सारे फंक्शंस को यूं अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, इसीलिए उसने अपनी माँ के सामने ये बहाना बना दिया कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो दिल्ली जा रहा है ऑफिस के किसी काम से। हाँ, बेचारी सावी वैसे ही परेशान हो गई है, उसे फटाफट से नित्यम के पास जाना है, उसे दिल्ली जाने से रोकना है। अब इधर सावी को अपने छत्री प्रसाद की सवारी मिली। इतनी बरसात में उसने अपने छत्री प्रसाद को कुछ इस कदर दौड़ाया कि लगता है इस समय पर ना वो एयरपोर्ट पहुंच ही जाएगी नित्यम को रोकने के लिए। अब ये तो एकदम फिल्मी स्टाइल हो रही है, जो काम हीरो करता है वो काम हीरोइन कर रही है। चलो अच्छा है, कहानी का ये एलिमेंट इस सबको देखने में बहुत मजा आएगा। और बारिश में यू शूटिंग कर रिक्शा चलाकर इस सावी को भी बहुत मजा आया होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और क्योंकि गुरुवार का दिन है और आप जानते हैं ना कि थर्सडे टू थर्सडे क्या होता है, जी यार टीआरपी आती है आपके और हमारे फेवरेट शोज की। तो क्या है टीआरपी में हमारे फेवरेट सीरियल्स का हाल, देखिए एक नजर। लो आ गया है सीरियलों का रिजल्ट, देख लीजिए कि टीआरपी चार्ट में किसने मारी है बाजी, कौन कौन पहुंचा है टॉप फाइव में। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर पांच की। 1.8 की रेटिंग के साथ इस बार पांचवें नंबर पर हैं दो दो सीरियल। जी हां, इमली के साथ फालतू ने भी पांचवा नंबर शेयर किया है। तो चौथे नंबर पर है ये है चाहते 2 पॉइंट्स के साथ। तो तीसरे नंबर पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 पॉइंट्स के साथ। गुम है किसी के प्यार में ये सीरियल है दूसरे नंबर पर, जिसे मिले हैं 2.3 रेटिंग। और 2.9 रेटिंग्स के साथ नंबर वन है अनुपमा। तो कुछ ऐसा है सीरियल्स का रिजल्ट। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों का पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट, जहां नई पीढ़ी की कहानी की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही एपिसोड में सभी फर्ज और रिश्तों की कसौटी पर खड़ी है। बड़ी नसीब वाली है आपकी पोती, लड़के वालों को उसकी फोटो इतनी पसंद आई वो तो बिल्कुल खुश हो गए। वो तो उसे मिलने कल ही आना चाहते हैं बवारी जी। भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना तो मेरा सपना है, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ तो मैं टाइम पर ही पहुँचूंगी। मैं तुझे तेरी आई के जैसे होने नहीं दूंगी। मुझे आई जैसे बनने की जरूरत ही नहीं आती, मैं आई जैसी ही हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियों का सेट, जहां घर में पुलिस आ गई है दादाजी को अरेस्ट करने और जिसने कम्प्लेन की है वो कोई और नहीं साहिबा ही है। तुम्हें घर में बंद करके रखा था इसलिए तुमने डैड के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तो ये क्या है? मिस्टर अकाल सिंह डैड औरतों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ, इसके चलते उन्होंने मुझे कॉलेज जाने से मना किया, इसलिए मैं पूरे होशो हवास में उनके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज कराती हूँ। अब इस वीडियो के पीछे की कहानी का सच क्या है ये तो साहिबा ही बता पाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है तितली का सेट,
जहां तितली को अरेस्ट करने पुलिस आ गई है, लेकिन गर्व तितली का मसीहा बनकर आया है। गर्व तितली के प्यार में है तो उसके साथ कुछ गलत होते हुए वो कैसे देख सकता है। हमारे पास इस गैंग के हर मेंबर के रिकॉर्ड, ये डॉलिन की सरदार है। अरे ना ना, ये लड़की है, इसके खिलाफ गवाही मैं खुद दूंगी। जाओ अरेस्ट करो। बड़ी मान, तितली वैसी लड़की है ही नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। इसीलिए अगर आज भगवान भी आकर कहे ना कि तितली गलत है, तो मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें गलत फहमी हो गई। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां अभीर के सामने आ गया है सच कि अभिमन्यु ही उसके असली पिता है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मेरे रियल पापा को ढूंढने में हेल्प करोगे। आपने तो मुझे लोगों को झूठ बोला। अभीर? नहीं अभीर, तेरे डॉकमैन ने तुझे झूठ नहीं बोला था बेटा। तेरे मम्मी पापा ने तेरे डॉकमैन से झूठ बोलने को कहा था। इसमें सारी गलती तेरे मम्मी पापा की। ये सच बोल रही है? नहीं बेटा, हमने इसे नो। आप लोग लैर सो। आने वाले वक्त में अभीर की कस्टडी का केस क्या मोड लाएगा, ये देखना होगा। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है सीरियल पंड्या स्टोर का सेट, जहां फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है जो लीव के पहले थी। मुझे अपनी चुटकी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एक हिस्सा चाहिए, और वो हिस्सा हमें आज की आज उसे दिलाना होगा। कैसी बातें कर रही हो रिशिता? घर में तीन और बच्चे हैं, नताशा अकेली नहीं है, सबके बारे में सोचना है ना। मेरा मिठू भी बहुत भूला है, मुझे उसके लिए भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। फिर से परिवार में बंटवारे की बात छिड़ गई है। कल को अगर मुझे और देव को कुछ हो जाता है तो फिर नताशा का क्या होगा?